और भी ट्रैवल आईटा एजेंट से हम टिकट लेते हैं, बराबर है। जी सर, और दूसरा कि मैं पटेल हूँ, डायमंड इंडस्ट्री से रिलेटेड हूँ, मेरा कोई ऐसा मार्केट नहीं है कि मैं बाहर जाऊँ और लेके आऊँ, क्योंकि मेरे डायमंड वाले हैं वो सिर्फ मेरे मिल जाए, मेरे को दूसरा कुछ। आप समझ, पटेल पाटीदार वो आपने सुना होगा, हाँ हाँ सुना है, बराबर वही। समझ गया सर। तो सर हम बेस्ट कनेक्ट हुए हैं, मैं आपको क्या सलूशन दूंगा ना, हम आपके लिए क्या करेंगे, मैं आपको समझाता हूँ कि ट्राबियो क्या करते हैं। सर जब मैंने ट्राबियो स्टार्ट करा था ना, मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं समझाना थोड़ा सा शुरू करूंगा आपको। तो ट्राबियो मैंने सबसे पहले, इससे पहले मैं मेक माई ट्रिप पे जॉब करता था। आई हैड वर्क 4.5 ईयर्स विथ मेक माई ट्रिप। सो देन मैंने ट्राबियो स्टार्ट करा। सो जैसे मेरा मोटिव था सर डे वन से, व्हाई व्हाई मैंने कंपनी क्यों बनाया, तो जब आपको ये समझ आ जाएगा ना, फिर हमारा एक रिलेशन बहुत लॉन्ग टर्म रहेगा। तो मेरा विजन क्या है ना, मेरा विजन सर यही है, जैसे आपका जो बिजनेस, जिस तरह आपकी तरह के लोगों के बिजनेस को, जो एकदम एक स्मॉल एंटरप्रेनर हैं जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, और उनको क्या करता है ना, जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ट्रिप जैक है या टीबीओ है, व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग ना, दे आर गोइंग टू मेकिंग यू ए कमीशन एजेंट। वो आपको एक कमीशन एजेंट बनाते हैं। हाँ जी, बट मेरे कंसेप्ट क्या है ना, मैं लोगों को मेरे साथ इसीलिए जुड़ रहा हूँ, जुड़ा रहा हूँ कि लेट्स लेट्स मेक देम ज्वाइन टू मी, कि मैं उनको ट्रैवल एंटरप्रेनर बनाऊंगा, नॉट जस्ट ए कमीशन एजेंट। मेरा काम होता है टेक्नोलॉजी, मैं आपके लिए क्या क्या कर सकता हूँ, व्हाट्स द पोटेंशियल दैट वी हैव। ट्राबियो के पास क्या क्या पोटेंशियल है? ट्राबियो के ओके पास सर नंबर वन पोटेंशियल है कि हम टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट है ट्रैवल इंडस्ट्री का अंदर। ओके मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा एक एक चीजें, और मैं बहुत सारे कंपनी का दिखाऊंगा, 500 से ज्यादा लोगों के लिए हमने काम भी करा है, उसमें बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स भी है। मैं आपको समझाऊंगा कैसे कैसे। तो सबसे पहले कि हम टेक्नोलॉजी का चैंप है, ट्रैवल टेक्नोलॉजी के हमने बहुत सारे काम कर रखा है। मैं आपके लिए वेबसाइट बनाऊंगा, ट्रैवल पोर्टल भी बना सकता हूँ। जैसे मैं पोर्टल में क्या करूंगा, फॉर एग्जाम्पल एपीआई होगा, तो वो एपीआई आप लाके देंगे, एपीआई किसी से भी लाके दीजिए, एमएडीएस से, गैलेलियो से, तो मैं आपका उसी हिसाब से, चाहे ट्रिप टीबीओ से, ट्रिप जैक से, किसी का भी एपीआई होगा, मैं उसको इंटीग्रेट करके आपका पोर्टल बनाऊंगा। या तो मैं आपको स्टार्टिंग करूंगा नॉर्मल एक वेबसाइट से, मैं कहूंगा कि अभी जो एपीआई का जो कॉस्ट होती है ना, वो ₹1,00,000, ₹50,000 वो लोग ले लेते हैं, हाँ जी, टिबियोक वगैरह ले लेते हैं, गैलेलियो तो $3,500 लेता है। तो मैं कैसे कैसे मैं स्टार्ट करने की सजेस्ट करूंगा, मैं करूंगा कि आप अपना लीड जनरेट कीजिए। ट्राबियो का जो मेजर है ना, वो यही है कि मैं आपको डिजिटल का ट्रेनिंग दूंगा, मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए अपार्ट फ्रॉम द एंड माय सब्सक्रिप्शन जो तो आपका एक सही बात अंदर। है। अभी 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 आपको, आप जो बोल रहे हो ना, जी सर, आदमी की बात करने की चीज से थोड़ा पॉजिटिव आता है। आप समझ गए, पहली बात तो ये होती है, आपने देखा हम गुजराती लोग हैं, हम गुजराती मीडियम में पढ़े लिखे हैं, बराबर है। ये तो क्या है, रिलेशनशिप में सब कुछ रहा है, हमारा इंग्लिश थोड़ा कम होता है, बराबर है। जी बट सर, आप अभी समझा रहे हो, आपने देख लिया, आपने मैंने वो देख लिया कि आप हिंदी पे कन्वर्ट हो गए, बराबर। पहले तो वो मैंने देख, जी सर, जी सर, और हमारे गुजराती लोग हैं ना, वो रेफरेंस पे ही पहले मानते हैं। हाँ, मेरे पास भी गुजरात से बहुत सारे क्लाइंट हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं बता, एक रीसेलर भी हमारा है गुजरात से, वो हमारा प्रोडक्ट को रीसेल करते हैं, 4-5 क्लाइंट को उन्होंने रीसेल भी कर दिया है। हाँ, और तो वैसे वो गुजरात के लोग हैं जो मेरा एक वैसे मुंबई का ऑफिस जो चलाते हैं, सो ही इज फ्रॉम गुजरात, वो मेरा क्लाइंट ही थे, वो इतना अच्छा मेरा बॉन्डिंग हो गया, तो वो सर मेरे देखो, साथ। एक बार देख, हमारा मैं हम साटे भी करते, जी जी ओटीएम भी करते, टीटीएफ भी ज्वाइन ग्रेट करते, बराबर है। ग्रेट समझ सर, लो कि मेरा कॉम्पिटिटर होगा उसको तो मैं नहीं दूंगा, ऐसा समझ लो, मेरी जो मोनोपोली है, बराबर है। हाँ बट हाँ बाकी दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है, कई सारे लोग हैं कि जो छोटे लोग, छोटे टाउन से ही है, तो अपन उसको भी रेफरेंस देने में क्या प्रॉब्लम है यार। मैं आपको दो रेफरेंस और दूंगा, मेरे को कुछ चाहिए नहीं, समझ लो। बट आप मेरा ख्याल तो रखोगे, मेरे को हंड्रेड कमीशन परसेंट एजेंट नहीं आपका, बनना है, हंड्रेड रीसेलर परसेंट नहीं बनना है, बराबर है, ये रेफरेंस भी चलेगा। एग्जैक्टली क्या होता है एग्जैक्टली ज्यादा कि मेरा मेरा सर 80%, देखो, 70-80% रेफरेंस ही है। वही होता है ना दादा, कि आप समझ लो पहले तो मेरी बात, कि मैं आप में से दो पैसा कमाऊं, एक तो मेरे को मेंटली प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि मैंने लिया, मेरे इसको सॉल्व आउट करना है, भाई ये कर दो वो कर दो,
यहाँ तो एक ही काम करेंगे भाई, ये बंदे अच्छे बात कर ले तेरे साथ, कर ले कोई चीज प्रॉब्लम हो तो मेरे को बोलना, मैं रेफरेंस करवा के उसको बोल दूंगा कि भाई सर इसका ध्यान रखो, बराबर है, और ये रेफरेंस को ही चलाएंगे अपन, बराबर एग्जैक्टली है। ऐसा चीज नहीं है मेरे को कि भाई मैम सर कि भाई मेरे को कमीशन एजेंट बनना है, मेरा चलेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बोला पहले भी मेरे को पूरी दुनिया के अंदर कोई नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ मेरे डायमंड वाले, अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड। तो सर क्योंकि जैसे मैं मैंने आपको वो समझाया पूरा, ओके लाइक हमारा जो विजन है, लाइक ट्रैवियो का जो मेरा विजन है स्टार्ट करने का, वी विल ट्रांसफॉर्म इच ट्रैवल फील्ड इंडिविजुअल टू सक्सेसफुल ट्रैवल प्रोफेशनल्स। लाइक जो मेरा विजन है ये कि जी आपके पास जो स्ट्रेंथ है, लाइक काइंड ऑफ यू आर ए टूर ऑपरेटर, ठीक है ना, सो वो जो स्किल है उसको यूज करके हम एंड क्लाइंट तक कैसे पहुंचेंगे थ्रू द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, वो मैं आपको सर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक बंदा है मेरा, जी उसको सर। भी साथ में ले लूं, हाँ प्लीज प्लीज सर प्लीज, इनको बताइए जूम में ज्वाइन कर ले, मैं डेमो ले दूंगा। लूं, श्योर एक ही मिनट सर, एक ही मिनट, यानी श्योर तो पहले से ही हो जाए, मेरे साथ ही रहता है वो बंदा, कोई हाँ, प्लीज एक ही मिनट सर, वो फ्री होगा तो मैं उसको बोल देता हूँ कि तू मोबाइल से भी आ जा तो आ जा। हाँ प्लीज प्लीज। યાદ છે તારે જો ને તને એક ઝૂમ ની લિંક મોકલું છું, ઓનલાઈન થા કઈ નહીં, એક ટ્રાવ્યો નું, ટ્રાવ્યો કંપની છે બરાબર છે, સીઆરએમ છે, વેબસાઇટ છે, બધું બનાવીને આપે છે બરાબર, એ ભાઈ પોતે મેક મેટ્રિકમાં 4.5 વર્ષથી હતા, અને અત્યારે આપણું સમજી જાય, હિન્દીમાંથી આપણે વાત કરો એ રીતે આપણો ટોન સમજી જાય, તો સમજો, એટલે મેં મને અત્યારે મને આપે છે અત્યારે ડેમો બરાબર, તો મને યાદ આવી ગયું, તો મેં તને અત્યારે નાખું છું, એટલે તું લાઈન પર ગયો બરાબર, હા આવી રહ્યા સર, વો ભી ઠીક હે સર, તો મેં એક મિનિટ ડેમો બસ, સર કો દે દૂંગા, મેં આપકો બસ યે સ્ક્રીન યાર બતા દેતા હું એસે હી। સો યે સર કુછ પ્રોબ્લેમ સોલ્યુશન એક હમ મિનિટ દેતે સર, હૈ। મેં ઝૂમ કી લિંક ઇસકો ભેજ દઉં, ઇસકો ઇસકો ઝૂમ હા લિંક હા ભેજ દઉં પ્લીઝ ના, પ્લીઝ પ્લીઝ સર પ્લીઝ, સેમ લિંક એક મેં જોઈન કર મિનિટ સકતે વોઈ ઉસી આપે દે મારું તે કરે કે એ મારું કામ ચાલુ છે, આવી જાય રિક્વેસ્ટ આવી સર, હો જાય તો મેરે કો બોલના, हाँ सर, ये तो मैंने वैसे वाला कर रखा हूँ, ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाएंगे, ओके ओके मुझे ओके, अप्रूव तो करने की जरूरत मैं देख लेता हूँ, एक है। हाँ मिनट हाँ सर, सर ने शायद क्लिक नहीं करा। आ गया आप देखो तो सर कोई ज्वाइन नहीं हुआ अभी, होगा एचपी हो गया, एचपी कौन है, ओ ओके वो तो मैं अभी हाँ सर आएगा आ सर, गया आ गया, यस विग्नेश सर आ गया, विग्नेश सर, आ गया विग्नेश विग्नेश जी है ना। आवी जमीगा, हाँ आवी जमीगा, हाँ विग्नेश पटेल आ गया। मिगा हेलो, अभी सर इनका ऑडियो कनेक्ट हो रहा है, कनेक्टिंग टू ऑडियो दिख रहा है। हाँ हाँ आ गया सर आ गया। क्या आ रही हो, या विग्नेश सर कैसे हैं आप? बस बढ़िया बोलिए सर, हाँ जी सर जी, मैं सर को समझा रहा था सर, एक हमने प्रोडक्ट बनाया है ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए, तो ओके वही सर को मैं समझा रहा था। तो हमने एक दो स्क्रीन अभी बस क्रॉस करके आए थे, ये थर्ड स्क्रीन में थे, तो ये था बस, ये इंट्रोडक्शन था बस, ट्रैवियो क्या कुछ है, क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मैं दिखाऊंगा प्रैक्टिकली एक एक चीजें सर आपको, ठीक ओके नो है। प्रॉब्लम, सो ये था सर कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्या, कोशिश क्या है हमारा करने के लिए, लाइक जनरेशन ऑफ लीड, आपको किस तरीके से आपके ब्रांड पे आप लीड जनरेट कर सकते हैं।
सर मैं थोड़ा सा ओके क्लैरिटी कर देता हूँ, हम ना लीड प्रोवाइडर नहीं है, हम आपको ओके गाइड करते हैं, हम आपको थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं, एजुकेट करते हैं, हेल्प करते हैं, आप खुद से अपने ब्रांड पे लीड जनरेट कर सकते हैं। ओके सो इसमें इसमें हम आपको जो भी या लाइक आपको जो सपोर्ट चाहिए होता है वो हम कर देते हैं। हम आपको ये एनकरेज नहीं करते हैं कि आप ना लीड बाय कीजिए ट्रैवल ट्रायंगल या ट्रिपोटो या एनी थर्ड पार्टी कंपनी से। हम या कहते हैं कि लीड आपके ब्रांड से जनरेट हो सकता है, आपका वेबसाइट गूगल की फर्स्ट पेज में आ सकता है। एसईओ एंड इसके लिए कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, और प्रैक्टिकली मैंने करा रखा है कम से कम 50 लोगों की वेबसाइट में, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उन्होंने ओके कोई पैसा नहीं खर्च करा, खुद से मेहनत करा और उनका वेबसाइट आज गूगल की फर्स्ट पेज में आ रही है। ठीक है सर। यस श्योर सो देन कन्वर्जन ऑफ लीड्स, लीड कैसे कन्वर्ट होता है, क्या होता है, इस तरह हमारा सेशन चलता है। ये दोनों ऊपर का जो दो चीज आप मान के चलिए कि सॉफ्टवेयर यूज करना है, मैं आपको कुछ गाइड करूंगा, कुछ ये वो सजेस्ट करूंगा, कोई बिलिंग नहीं होता है, कोई पैसा नहीं होता है। हम एजुकेट करते हैं ट्रैवल इंडस्ट्री को कि आप किस तरीके से अपना ऑनलाइन बिजनेस को ग्रूम कर सकते हैं, कि प्रोफाइलिंग क्या होता है, ओके कोरा क्या होता है, किस तरीके से ऑनलाइन प्रोफाइल बनाएंगे, प्रेस रिलीज किससे कराएंगे, प्रेस रिलीज क्या होता है, दैट ऑल वी एक्सप्लेन यू। ठीक है सर। श्योर उसके बाद सर आइटिनरी प्रिपेयर करने का सॉफ्टवेयर होता है, फिर टैक्सेशन का कैसे मैनेज करना है, आपको कोई डीएमसी के साथ कोलाबरेट करना हो, जैसे जैसे आपके लिए तो शायद जरूरत नहीं है सर का, आपका जो है बिजनेस पुराना है, अच्छा है, बड़ा है। सो जैसे बहुत सारे स्टार्टअप मुझे ज्वाइन करते हैं जो नया नया लोग होते हैं, तो उनको मैं डीएमसी के साथ भी कोलाबरेट करा देता हूँ। यस और आपका पेमेंट वगैरह कैसे मैनेज करना है, लाइक जो ह्यूमन लेस पेमेंट कलेक्शन, लाइक किस तरीके से कस्टमर से ऑटोमेटिक पेमेंट कलेक्ट करना है, तो वो दैट ऑल सॉफ्टवेयर वी हैव डेवलप्ड। ओके तो मैं एक एक करके आपको दिखा दूंगा। हमारा मेजरली सर ये चार प्रोडक्ट है, मैं दिखाऊंगा आपको। पहले सीआरएम एक हमारा प्रोडक्ट है, फिर वेबसाइट है, फिर बी2सी पोर्टल है, फिर मेंटरशिप है। मेंटरशिप में जो है दैट इज कि हम आपको मेंटरशिप देते हैं, इसमें कोई पैसा भी चार्ज नहीं होती, हम आपको क्लास सर देते हैं। मेंटरशिप यानी क्या होता सर मेंटरशिप में हम आपको ये बताते हैं, जैसे आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन हो ट्रैवल इंडस्ट्री को लेकर डिजिटल के लिए, लाइक आप बताएंगे कि है? अमर आप मुझे बताइए कि मेरे पास लीड कैसे जनरेट होगा ऑनलाइन से, ठीक है, ये आपका ओके क्वेश्चन है। ओके मैं आपको आंसर दूंगा, सर हम फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, गूगल से, लिंक्डइन से, कोरा से जनरेट कर सकते हैं लीड। फिर फॉर एग्जांपल ओके आपका क्वेश्चन ये रहेगा, अमर मुझे ना सिर्फ कॉर्पोरेट करना है या बी2सी करना है या मुंबई का क्लाइंट उठाना है और आगे भेजना है, या मुझे मेरा लोकल क्लाइंट चाहिए, या मुझे क्लाइंट जो है वो नॉर्थ से चाहिए, तो वो सारे सेटिंग्स कैसे करते हैं, क्या करते हैं, मैं एनी डेस्क में मेरा बंदा लेके आपको समझाएंगे, ओके तो फिर आप लीड उससे जनरेट कर सकते हैं। फिर आप मुझे बताएंगे अमर इसमें ना कि मेरा लीड तो जनरेट हो रही है बट कन्वर्ट नहीं हो रहा है ऑनलाइन वाले, तो फिर हम आपको सजेस्ट ओके करेंगे सर अपना आप पहले प्रोफाइलिंग कीजिए, आपका जैसे कि किस तरीके से आपका कीवर्ड ऊपर आएगा, आपको कंटेंट कैसे अपडेट करना चाहिए, आपको आपके ब्लॉग्स कैसे लिखने चाहिए, आपको वेबसाइट में किस ओके तरीके से लेआउट रखनी चाहिए किसी पेज का, सो दैट ऑल वी विल सजेस्ट यू, दैट इज द मेंटरशिप हम आपको करेंगे, टेक्नोलॉजी में आप किस तरीके से काम करेंगे। ठीक है सर। और वेबसाइट होता है कि इसमें अंदर हम जो फीचर है वो एक एक करके मैं समझा दूंगा। इसमें बुकिंग का ऑप्शन नहीं होता है, वेबसाइट और पोर्टल में हाँ डिफरेंस यही है, वेबसाइट में सब कुछ आता है, यहाँ पे बुकिंग नहीं ओके होता। हाँ बी2सी पोर्टल मीन्स यात्रा डॉट कॉम, makemytrip.com, यार ऐसे ही आपका मैं बना के दूंगा, होटल, फ्लाइट, एक्टिविटी, पैकेज, ट्रांसफर, सारे ऑप्शन उसमें रहेगा। ठीक है सर। ओके जो भी आपको चाहिए, अगर हमें स्टार्ट ओके करना है, यार स्टार्ट करना है, रिक्वेस्ट आएगी लाइक आप मानो B2C पोर्टल हमने फेरा बराबर है जी सर, तो B2B का API कौन ला के देगा? सर एपीआई मैं आपको कनेक्ट कराऊंगा। हम हमारे पास एक एपीआई है, जात्री इंडिया का एपीआई है, जो हम आपको खुद करा के दे देंगे, बट इसका जो ओके डील शीट होगा, प्राइसिंग होगा, वो आपको इनके साथ बात करना होगा, ऑपरेशंस हम नहीं देखेंगे। ओके नहीं, और हाँ वही बोल रहा हूँ मैं, तो बाकी मैं बाकी बोलूँ कि मैं आपको बोलूँ कि मेरे को किसका API चाहिए तो उसको कौन करेगा? वो सर मैं करूंगा, वो तो बहुत अच्छी चीज हो गया ना मेरे लिए, मेरा टेंशन फ्री हो गया ना, एपीआई आप देखेंगे किससे लानी। नहीं API मान लो मेरे को गुजरात का चाहिए, एक बंदे का API है मेरे को, मान लो कि लाइक न्यू भारत है तो मैं न्यू भारत का आपको बोलूँ मेरे को चाहिए तो वो चार्ज करते हैं क्या API के?
सर मैं देखना पड़ेगा वो कंपनी कौन सी है, उनका एपीआई का स्टैंडर्ड क्या है. मैंने जो कर रखा है ना वो कर रखा है गैलेलियो, एमेडियस, टीबीओ. हाँ तो हो जाएगा, वो तो सब सबके पास रहता है, एमेडियस और गैलीलियो ही है ना मेन तो हाँ भैया। तो एमेडियस, गैलेलियो, टीबीओ, ट्रिप जैक. मेगा अजी हमर एनी बात एने नहीं, ये तो आवानो छे. एमेडियस आईटा वाला આવશે ને, ન્યુ ભારત આવશે ને, તો ન્યુ ભારત માં એનું પોર્ટલ એ બરાબર છે, સતી નું પોર્ટલ બરાબર નું બરાબર છે. તો આપણે લોકલ લેવલ પર એ રહેવાનું, બે આઈટા છે સમજી લે, એ તો આવવાનું જ અરે છે. એમ એટલે નથી, એપીઆઈ આપ એપીઆઈ આપી દેશે, ફાઈટા નહીં આવશે, એપીઆઈ ઓલા નહીં આવશે, એ રીતના કહે છે ભાઈ। આપણે તો લેવાનું રહે ને, તો સમજ ને. પછી આપણે આઈટા તો આઈટા છે, એ પછી આપણે સતી નું લઈ લેવાનું રહે ને. સતી નું કરીએ સર ક્યારે, ન્યુ આઈટા ભારત નું આઈ કરીએ. આઈટા અલગ હોતા હે, એપીઆઈ અલગ હોતા હે. મેં તો વો સમજ ગયા, એપીઆઈ હે વો વેબસાઇટ થી ડાયરેક્ટ અપન કો લિંક મિલેગી બરાબર. આઈટા યાની જો અપન કે ટિકિટ નિકાલતે વો બરાબર હે. બટ મેં યે બોલ રહા હું કે જો આઈટા કા વેબસાઇટ હે, જો એપીઆઈ દે તો ઉસકે પાસ તો આઈટા કા લાઇસન્સ હોગા હી ના સર, हाँ सर आप ऑब्वियसली સમજે કે નહીં. વો આઈટા વો આપ હા પેમેન્ટ આપ પેમેન્ટ આપકા એપીઆઈ લે લીજીએ, એમએડીએસ સે બસ પૈસા આપ આઈટા કો હી દેંગે. पैसा तो आईटा को देंगे, एमएडीएस से अपन क्यों ले. तो उसका ही वाइट लेबल का मान लो, मैं उसको बोलूं कि भाई मेरे को तेरा एपीआई चाहिए बराबर है, जो कुछ भी डिस्कस होके अपन लिया, तो ऑटोमेटिकली आईटा आ ही जाएगा ना, या मैं गलत हूं. नहीं सर आप सही की नहीं कह रहे. मीन्स इसमें क्या होता है ना, लाइक एपीआई का एक्सेस जो होता है ना वो बिल्कुल एक अलग एक्सेस होता है. उसमें ना आपको पूरा साइन करना होता है उनके साथ एक एग्रीमेंट. दो जैसे एमएडीएस का ना, जैसे एपीआई हम लेते हैं तो दो प्रकार के लाइसेंस होती है, एक होता है डेवलपर लाइसेंस, एक होता है ट्रैवल एजेंट लाइसेंस. काओ और साओ लाइसेंस होता है एमएडीएस के पास. तो सबसे पहले तो आपके पास अगर गैलेलियो और एमएडीएस हम लेके आते हैं, सबसे पहले आप आईटा सर्टिफाइड होना चाहिए. उसके बाद वो आपसे एक बराबर सिक्योरिटी अमाउंट लेंगे एपीआई के लिए. उसके बाद ना आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलेगा. जैसे आपका नॉर्मल अगर एमएडीएस का अकाउंट है ना, तो उसमें जो बेनिफिट्स मिल रहा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो बोनस मिलता है, इंसेंटिव्स मिलेगा, जो या तो जो आईटा के थ्रू जो बेनिफिट्स मिलेगा वो थोड़ा सा बढ़ जाती है. और डील आपको अच्छी मिलती है एपीआई के थ्रू. ओके एपीआई और डील जो एपीआई में ना. अगर आप लेते हैं तो डील अच्छी मिलती है. और वो डील अच्छी मिलती है तब सर जब आप कमिटमेंट में आते हैं, ऐसे नहीं मिलता है. पहले यार कमिटमेंट उसका टारगेट होता है, टारगेट अपन लेके फॉर तो एग्जांपल काफी जैसे करेगा अभी क्या. मैंने जैसे माई टिकट माई होटल मेरा क्लाइंट है बालाजी ट्रैप को, तो जैसे इनका जो कमिटमेंट हमने उठाया था, तो हमने आईटा का जो कमिटमेंट उठाया था एमएडीएस के लिए, हमने उठाया था 100 करोड़ का, 100 करोड़ का. तो हमने 100 करोड़ जब अचीव करेंगे ना, तब जाके हमें 1% उसमें से मिल रहा था. तो 1 करोड़ रुपए हमें मिला था उसमें 2019 में. तो ये 100 करोड़ का अचीव कराना था, बट हमें अगर ये नहीं करते तो ये 1 करोड़ का इंसेंटिव नहीं मिलता. अगर एपीआई नहीं होता मेरे पास तो मुझे ये 1 करोड़ रुपए नहीं मिलता. ये सर एक एडिशनल पैसा मुझे मिला, जो मेरा जो ब्लैक स्क्रीन में चलता है जो प्राइस होती है और जो एपीआई का प्राइस होती है वो अलग होता है. हाँ. So, मैं आपको बता दूंगा सारे कि हम कैसे कैसे करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, फिर आप मुझे सजेस्ट करना. तो हमारा ये सब है, हमारा सिस्टम पे है, जो मुझे बताएंगे वो मैं कर दूंगा. तो ये हमारा सर सीआरएम का फ्लो है. मैं दिखाऊंगा भी आपको कैसे चलता है सीआरएम, लाइक लीड मैनेजमेंट, आइटिनरी बिल्डर, अपॉर्चुनिटी, देन बुकिंग, दैट इज द कंप्लीट सीआरएम. मैं आपको दिखा दूंगा अभी, ठीक है. और ये कुछ फीचर्स है, मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आपको कैसे कैसे क्या क्या होता है. तो सीआरएम में किस तरीके से सिंप्लीफाइड लीड मैनेजमेंट, लीड लॉग, आइटिनरी बिल्डर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कोटेशन सजेशन, वेबसाइट में किस तरीके से फीचर होता है, दैट ऑल आई विल शो यू, ठीक है. और दिस इज व्हाट एग्जैक्टली प्रोसेस है, हम किस तरीके से काम करते हैं. मेंटरशिप, ट्रेनिंग, सपोर्ट एंड ग्राइडेंस, ये हमारा लगातार चलता है, मीन्स रिकरिंग प्रोसेस है. वैसे सर हमने कंपनी तो 2018 से वैसे स्टार्ट करा था, 2016 मेरा रजिस्टर्ड है. 2 साल मैंने पहले प्रोडक्ट बनाया, तो 2018 में मैंने 17 अक्टूबर में मैंने रिलीज करा होगा, 18 अक्टूबर में रिलीज करा प्रोडक्ट, जनवरी में सेटअप स्टार्ट करा था. सो नाउ 2020 जैसे मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा अभी कोविड वोविड की वजह से थोड़ा सा अप डाउन हो रही है, बट स्टिल वी डू हैव ए गुड नंबर ऑफ सब्सक्राइबर, 500+ सब्सक्राइबर अभी हमारे साथ काम करते हैं. सो यह हमारा कुछ डेस्टिनेशन में ऑफिस हैं.
शो लाइक दिल्ली मुंबई बेंगलोर कोचिंग, अभी तो दिल्ली मुंबई दोनों ही चल रहे हैं ठीक ठाक, बाकी मुंबई भी बंद है वैसे, और बेंगलोर और कोचिंग में हमने अभी बंदे हटा दिया है। ओके, ये कोविड के वजह सब छुट्टी है, सब वर्क फ्रॉम होम है, छुट्टी है, दिल्ली भी अभी छुट्टी, समझ गया। हाँ दिल्ली भी अभी सब वर्क फ्रॉम होम। सो मैं आपको थोड़ा एक एक करके दिखा देता हूँ कि ये सर वेबसाइट में हमारा क्या, कैसे वेबसाइट में आपको बना के दूंगा, जो नॉर्मल वेबसाइट होगा, जो पोर्टल नहीं होगा, नॉर्मल वेबसाइट हमारा कैसे होगा ना, वेबसाइट सपोज टू बी रेस्पॉन्सिव एंड एसईओ फ्रेंडली, वेबसाइट कुछ सर इस तरीके से आपका रहेगा, एक एक पॉइंट में पढ़ दूंगा आपका, ये वेबसाइट देख लीजिए स्ट्रक्चर कुछ ऐसे रहेगा, डिजाइनिंग वगैरह जैसे बताएंगे मैं चेंज कर दूंगा लेआउट इसका, ठीक है। और इसमें सर ये एसईओ फ्रेंडली रहेगा, सीएमएस फॉर अपलोडिंग अनलिमिटेड पैकेजेस, ये क्या मतलब होता है सर, इसमें ना मैंने एक सीएमएस बनाया होगा इसमें, तो मैं पहले इसमें लॉगआउट करके मैं दूसरे में लॉगिन कर देता, तो ये सर आपका बैकएंड पैनल होता है, एडमिन पैनल होता है मेरा, ये यहाँ से मैं वेबसाइट का सारा चीजें मैनेज करता हूँ। सो लाइक जैसे इसमें सीएमएस का ऑप्शन होगा, तो बैनर अपलोड करना, हॉट डील करना, एसईओ मैनेज, होम पेज सेटिंग, मींस कंप्लीट एसईओ फ्रेंडली, मतलब सर एसईओ सेटिंग मैंने हर जगह प्रॉपरली दे रखा है। ओके, सो एसईएमएस फॉर अनलिमिटेड अपलोड अनलिमिटेड पैकेज, वो ऑप्शन सर यहाँ पे है, हम अनलिमिटेड पैकेज यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। CMS for upload unlimited activities, तो यहाँ पर ऑप्शन है CMS में जाएंगे, सो यहाँ पे होगा एक्टिविटीज, हम कितने भी एक्टिविटीज हमारे वेबसाइट से अपलोड कर सकते हैं। पैकेजेस सर हमारे वेबसाइट में कुछ ऐसे दिखता है, डोमेस्टिक इंटरनेशनल जो भी मैं पैकेज करूंगा, तो मैंने करा डोमेस्टिक पैकेज, तो डोमेस्टिक पैकेज का लिस्ट पूरा खुल जाती है। सो पैकेज ऐसे खुल जाता है, फिर मैं जैसे इसमें क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ तो मुझे पैकेज का डिटेल पेज खुलता है, हाँ पूरा कंप्लीट आइटिनरी रहता है, और वो सर अपलोड यहाँ से होता है, जो मैं आपको यहाँ पे पैकेज दिखा रहा था यहाँ से अपलोड होता है पैकेज, कंप्लीट डिटेल, डे वाइज आइटिनरी है, यहाँ पे भी एसईओ सेटिंग करते हैं, मेटा कीवर्ड डिस्क्रिप्शन, हमने हर जगह अनपेज एसईओ का बड़ा ध्यान रखा है, डे वाइज आइटिनरी, होटल मैपिंग हो गया, फिर उसके बाद पूरा स्पेशलाइजेशन हो गया यहाँ पे सर, ये एसईओ AI based SEO tagging है मेरा एक फीचर है, तो वो यहाँ पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू SEO का टैगिंग मैनेज करते हैं, मींस 5-7% डेंसिटी के अंदर कीवर्ड मैपिंग करते हैं, और ये डे वाइज आइटिनरी आप अपलोड करते हैं, ऐसे टूर गैलरी आती है, ट्रांसफर्स आती है, पैकेज पॉलिसी आती है, फिर हम प्राइसिंग फाइल करते हैं कि डेट हिसाब से मल्टीपल प्राइस, कब से लेकर कब तक कौन सा होटल का क्या प्राइस है, कितना पैक्स का, और वो जो डिटेल्स होता है वो डिटेल्स कुछ ऐसे दिखता है इस तरीके से, लाइक कितना दिन कितना रात का पैकेज है, कहाँ कहाँ कितना कितना दिन स्टे करेंगे, यहाँ पे बैनर्स आ जाती है, फिर हम इसमें क्या क्या इंक्लूजन्स देते हैं, फिर ये आइटिनरी हो गया, होटल हो गया, अदर इन्फो हो गया, पोस्ट रिव्यू हो गया, होटल में कौन सा सिटी में कौन सा होटल स्टे कर रहे हैं, दैट ऑल वी गिव देम डायनेमिक ऑप्शन से, आप इसको मॉडिफाई करके अपना पैकेज आप अपलोड कर सकते हैं। क्लियर है सर? ओके, यस सर। इसके अंदर सर जो सबसे बहुत अच्छा यूएसपी है रावियो का, दैट इज अनलिमिटेड डेस्टिनेशन माइक्रो वेबसाइट, ये सर बहुत अच्छा फीचर है। इसमें क्या होती है ना, लाइक फॉर एग्जांपल आप किसी डेस्टिनेशन के लिए काम करते हैं, आपका जैसे आप करते हैं श्रीलंका, तो आप करते हैं मुन्नार या कोई डेस्टिनेशन, तो आप हर एक डेस्टिनेशन का एक माइक्रो वेबसाइट बना सकते हैं, जैसे ये हो गया मुन्नार का पूरा प्रोफाइल वेबसाइट, मीन सर मुन्नार का आप अपलोड कर दिया, मुन्नार का बैनर, अबाउट मुन्नार, मुन्नार के बारे में आपने लिख दिया, फिर मुन्नार का पैकेजेस अपलोड कर दिया, फिर मुन्नार का एक्टिविटी अपलोड कर दिया, दैट ऑल अबाउट मुन्नार, ठीक है। वॉइस ब्रेक हुआ, हाँ सर अभी सर ठीक आ गया, हेलो, हाँ आ गया, हाँ सर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि दिस इज अ वेरी यूनिक यूएसपी फॉर ट्रैवियो, कि हर एक जैसे आपको कोई भी डेस्टिनेशन गूगल में प्रमोट करना होगा, तो सर सबसे पहले ना हमें उस डेस्टिनेशन का एक लैंडिंग पेज बनाना होता है एज पर द गूगल गाइडलाइंस,
तो हम क्या करते हैं ना, लाइक जैसे हमें मुन्नार को प्रमोट करना है तो मुन्नार के लिए एक पेज बना लेते हैं, वो ऑप्शन मैंने आपको दिया है, तो मुन्नार का गैलरी बना दिया, यहाँ पे बैनर बना दिया, अबाउट मुन्नार लिख दिया, कोई बंदा खुद ढूंढता है बेस्ट पैकेज फॉर मुन्नार, मुन्नार ट्रैवल पैकेज, तो गूगल कहता है इसके लिए आपके पास कोई वेबसाइट है, कोई लैंडिंग पेज है या आपका मिक्स है? हम कहते हैं नहीं, इसके लिए हमारा अलग है, मुन्नार का हम स्पेशलाइज पेज है एक। तो गूगल कहता है ठीक है, तो ये आपको जो जो आपको रैंकिंग है, जो मार्क है, 10 में से 9 मिल जाएगा। अगर मैं उसको कहूंगा कि मेरे पास सब मिक्स है, गोवा है, गोवा के बगल में केरला है और मुन्नार है, कहेगा नहीं नहीं तुम कंफ्यूज हो, तुम्हारा 10 में से तुम्हें 3 मिलेगा। सो सबसे पहले गूगल को लैंडिंग पेज चाहिए होता है, तो वो लैंडिंग पेज हमने ऐसे बना दिया है, ठीक है सर। सो इसमें क्या बेनिफिट होता है, फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे भी मानते हैं, जैसे कोई आपका एंड कस्टमर होगा ना, उसको भी मुन्नार का एक पैकेज चाहिए, तो सर आपको ये URL व्हाट्सएप कर देना होगा, बस आपका website.com/destination/मुन्नार। मुन्नार के बारे में तो सब दे दिया हमने, मुन्नार का लिंक दे दिया, मुन्नार का पैकेज दे दिया, मुन्नार का एक्टिविटी दे दिया, मुन्नार का होटल होगा तो मुन्नार का होटल भी दे देना, सब खुद देख लेंगे कि हमारे पास क्या क्या पैकेज है और इन्क्वायरी कर देंगे हमें। सो ऐसे मीन्स कितने भी डेस्टिनेशन के लिए अनलिमिटेड लैंडिंग पेज बना सकते हैं, ठीक है सर। सो ये हमारा सबसे बड़ा USP है ट्रैवियो में। और हम नेक्स्ट हम क्या करते हैं ना सर, जैसे आपका वेबसाइट बनेगा ना, हम इंस्टेंटली ऑटोमेटिकली इसी वेबसाइट से, इसी 4 स्टेप में आपका वेबसाइट हम बना देंगे, फिर डिजाइनिंग वगैरह चेंज करके 2-3 दिन के अंदर वेबसाइट लाइव भी कर देंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, सेटअप डेस्टिनेशन, यहाँ पे हम आपके लिए पैकेज अपलोड करके देते हैं, आपका वेबसाइट पूरा भरा भरा खुलेगा, मीन 40 पैकेज अपलोड करके हम आपको देंगे, ठीक है सर। और सर मुझे एक माइट भी एक और करना पड़ेगा लिंक, ये मेरा फ्री वाला अकाउंट है। ओके ओके ठीक है, लिमिट हटा दिया उन्होंने, ठीक है। सो इसमें इसमें सर क्या होगा, इसमें अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ CRM। आपको सर वेबसाइट समझ आया थोड़ा सा? हाँ जी। एक फीचर और अच्छा है वो बता देता हूँ, बाकी सर बहुत सारे फीचर है इसमें। एक है सर ब्लॉग डेवलपमेंट, ये मैंने बहुत मेहनत करके हमने बनाया है। लाइक इसमें क्या होता है ना, मैं दिखा भी दूंगा आपको, लाइक प्रॉपर SEO को मैनेज करते हुए ब्लॉग हमने लिखा, हम आपको ट्रेनिंग भी दे देंगे, समझा भी देंगे, आपको कुछ कंटेंट लिखने की वजह से आपका वेबसाइट गूगल में रैंक कर जाएगा, बस आपका कंटेंट को अगर हमने ठीक से लिख दिया सिर्फ। तो मैं एग्जाम्पल के साथ आपको दिखा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी क्लाइंट का दिखाऊं, जैसे आज किसी का एक कीवर्ड रैंकिंग आया था मेरे पास, मुझे किसी क्लाइंट ने शेयर करा था कि ये हमारे गूगल फर्स्ट पेज में आ गया है, तो जैसे ये है तोस कैंपिंग या मनाली टू कशोल बाइक राइड, ये जैसे कोई मेरा क्लाइंट है, सो इंटरनेशनल यूथ क्लाउड, यहाँ से हम जाएंगे, अगर भी यहाँ पे जाएंगे तो मैंने कुछ क्लाइंट का वेबसाइट भी आपको दे रखा, ये वाला वेबसाइट है इनका, इंटरनेशनल यूथ क्लब, ये वेबसाइट हमने बनाया उनके लिए। सो ये कीवर्ड जैसे आप लिखेंगे तो आप देखेंगे कि ये इंटरनेशनल यूथ क्लब यहाँ आता है सर, गूगल के पहला लिंक है सर, सेकंड लिंक है, रिपोर्टों के नीचे ये आता है। सो और भी जैसे मेरा क्लाइंट है एक बेस्ट, कुछ मैं भूल गया इनका कीवर्ड क्या दिया था उन्होंने, ट्रैवल एजेंट, ऐसे ही कुछ था शायद उनका, ये सर देखिए इनका वेबसाइट आ रहा है, ट्रैवब्रॉड आ रहा है, ये उड़ीसा पैकेज के लिए करते हैं, उन्होंने ऐसे कीवर्ड वगैरह मैपिंग करा है। तो लाइक जैसे इनका ब्लॉग में दिखाऊंगा ना, इसमें बहुत सारे कीवर्ड सर गूगल के फर्स्ट पेज सेकंड पेज में आते हैं। सो इसके लिए सर ये ना इन्होंने कुछ SEO करा, ना वो डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं, वो सर ट्रैवल प्रोफेशनल हैं सारे लोग, तो इसके लिए ना हम आपको ट्रेनिंग भी देते हैं, इसके लिए हम आपको वीडियो ट्यूटोरियल प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे मैं भी खुद जैसे ये वेबसाइट सेटअप, CRM ट्रेनिंग, SEO ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केट ट्रेनिंग, ये सब वीडियोज वगैरह यहाँ पे होती है, ठीक है सर। और प्लस आपको 1-on-1 समझाएंगे, आप कॉल करेंगे तो आपका एक अकाउंट मैनेजर होता है, वो आपको बताते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, ठीक है सर।
ये हमारा सर वेबसाइट का डिलीवरेबल्स रहता है, तो इस तरीके से हम आपको वेबसाइट सेटअप करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट सीआरएम के बारे में। तो सर यहाँ तक समझ आया, वेबसाइट आपको थोड़ा समझ आ गया कैसे करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी। मिग्नेश सर आपको भी समझ आया ना? यस 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 सर जी। सर कहीं कुछ भी डाउट होगा जितने बार भी आप मुझे पूछ लो, मैं आपको जी सर। सो नेक्स्ट सर मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारा ये वेबसाइट है, तो कोई बंदा ना यहाँ से यहाँ पे आया और यहाँ पे इन्क्वायरी फॉर्म भर दिया, या किसी पैकेज में चले गए वो, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे इसमें गए तो यहाँ पे जाके ना वो इंस्टेंट कोट कर दिया, तो यहाँ से वो इन्क्वायरी भरेंगे। इन्क्वायरी भरने के बाद वो लीड मेरा यहाँ पे आ जाती है लीड में, यहाँ पे ऑल लीड में वो आ जाता है। तो इसके बाद सर मैं इसको कोटेशन सेंड करता हूँ, उससे व्हाट्सएप शेयर करता हूँ, तो मैं एक लीड सर का ऐड कर देता हूँ आपका, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से प्रोसेस होता है। तो मैं मिग्नेश सर के नाम पे सेट कर देता हूँ। सर आपने एक बार कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। 9879999999 ठीक है सर। सर ईमेल आईडी travel.point.point 1414 क्या सर उसके बाद 4 1414 नंबर 1 हाँ हाँ ठीक है 14 @gmail.com थैंक यू वेरी मच। सो फॉर एग्जाम्पल सर एक कोई बंदा है जो उसको ना एक आपके पास आया कि मुझे ना एक पैकेज चाहिए, मेरा बजट 50,000 है, मुझे एक श्रीलंका का पैकेज दे दीजिए। ये आपका कोई लोकल बंदा है, वो रेफरेंस में आ गया आपके पास, तो हमने यहाँ पे सोर्स डाल दिया रेफरेंस, उसका डिटेल्स यहाँ पे डाल दिया, उनको कम्प्लीट पैकेज सर्विस चाहिए, पैकेज चाहिए यहाँ पे हमने दे दिया, और दो बंदे वो ट्रैवल करना चाहते हैं श्रीलंका। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया बेंटोटा के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, और ट्रैवल डेट मैंने यहाँ पे डाल दी कि 20th को वो लोग जाएंगे। तो मैंने इसको सबमिट करा। तो ऐसे सर लीड जब हमारा फेसबुक से आती है, गूगल से आती है, या वेबसाइट से आती है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है। बाय द वे अगर आपके पास कोई वॉक इन कस्टमर आता है तो आपको ऐसे ऐड करना पड़ता है, ठीक है सर? जी। सो उसके बाद सर सबसे पहला एक छोटा सा फंक्शनैलिटी है कि इस बंदे को मुझे ना व्हाट्सएप करना है, तो मैं क्या करूंगा ना विदाउट सेविंग द नंबर, जैसे मैंने अभी जिग्नेश सर का नंबर है, तो जिग्नेश सर को मुझे व्हाट्सएप पे बात करना है, तो मैं हमने एक छोटा सा लिंक लगा दिया, बहुत ही छोटा टेक्नोलॉजी है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है सर, ये एक 2 मिनट का काम था हमारा। तो मैंने जैसे सर को हेलो लिखा, तो अभी सर के साथ में व्हाट्सएप पे बात कर सकता हूँ। ओके। तो होता है क्या है ना, लाइक क्लाइंट इन्क्वायरी करता है ना, वो कहता है मुझे ना व्हाट्सएप कर दो। okay. तो हम ना तुरंत तुरंत व्हाट्सएप जाएंगे, नंबर सेव करेंगे, फोन पे ऑपरेट करेंगे, वो करेंगे। तो इतना तामझाम नहीं करना है, सिंपल आना है, यहाँ पे क्लिक करना है और उससे व्हाट्सएप पे बात करना है। okay. so, उसके बाद सर क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम आएंगे, उसका प्लस का बटन आपको दिख रहा होगा फॉलो अप में। मेरा स्क्रीन तो दिख रहा है ना आपको? आराम से हाँ। तो इसमें फॉलो अप में जैसे आएंगे हम, तो फॉलो अप में क्या होता है ना, यहाँ पे कि अब हमें जो जो बात होगा वो क्लाइंट से, तो वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल मेरा बहुत अच्छा बात हुआ आपसे, जैसे मेरा अभी आपके साथ डेमो चल रहा है, तो मैं लिखूंगा आई हर्ड एन एक्सीलेंट कन्वर्सेशन विथ द क्लाइंट। तो मैंने ये करके सबमिट कर दिया। ये सर लॉग बनता रहता है। होता क्या ना, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बंदा आज ज्वाइन करता है, 2 साल 5 महीने 6 महीने 1 साल काम करते हैं, फिर वो चले जाते हैं। उनका एक्सपीरियंस मुझे नहीं मिल पाता, जैसे उन्होंने क्या पैकेज बनाया, कितना हिस्ट्री बनाया, 100 पैकेज बनाया, उसको सिस्टम जो है वो उसको रीयूज कर लेता है। सेकेंड उस बंदे ने, फॉर एग्जाम्पल आप लीड करते हैं या जिग्नेश सर लीड करते हैं, इनके साथ एक बंदा और काम करता है, ये खुद काम करते हैं, मुझे खुद को एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चाहिए होता है सर, मुझे सक्सेस करने के लिए अपने आप को भी। तो ये सॉफ्टवेयर अगर मैं अकेले भी करता हूँ ना, तब भी मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए,
क्योंकि सॉफ्टवेयर मेरा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है, ये मुझे गाइड करता है आज कितने लोगों से बात करना है, मैंने आपसे क्या बात करा था। अगर मैं दिन में जैसे मेरा बताऊं जॉब, आज सुबह से लेकर अभी तक मैं 6 लोगों को डेमो दे चुका हूँ, कल भी मैंने कम से कम 11 डेमो दिया था पूरा दिन के अंदर, तो लाइक मेरा दिमाग में तो नहीं रहेगा ना किसके साथ क्या बात हो रहा है। जो सर आपके साथ बात होगा मैं पूरा लिख दूंगा, जिग्नेश सर से बात हुआ, सर के साथ बात हुआ, सर गुजरात से है, ऐसे ऐसे बात हुआ, सर कैसे काम है, सो वो फर्दर मुझे हेल्प होता है। ठीक है सर। उसके बाद सर जैसे कोई क्लाइंट आपको कहता है मुझे ना 10 दिन के बाद कॉल करो, 5 दिन के बाद कॉल करो, हम यहाँ पे रिमाइंडर सेट करते हैं, और ये रिमाइंडर जो है वो हमें SMS और ईमेल के थ्रू नोटिफाई होती है, यहाँ पे भी नोटिफाई होता है नोटिफिकेशन के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी 2:30 बज रहा है तो मैंने यहाँ पे 2:31 के लिए एक रिमाइंडर सेट कर दिया। आपने बोला कि आपका कस्टमर ने आपको बोला हम होटल फाइनलाइजेशन के लिए बात करेंगे। और सर दूसरा एक क्वेश्चन था। जी सर। ये वेबसाइट है वो मोबाइल व्यू में कैसी है? सर सबसे पहला पॉइंट वही लिखा था मैंने, ये रेस्पॉन्सिव एंड SEO फ्रेंडली। रेस्पॉन्सिव मींस पूरा प्रॉपर सर फोन पे खुलेगा, बहुत अच्छा खुलेगा, ऐसे खुलेगा। बस ओके ओके गॉट इट। पूरा आप एक भी परसेंटेज आपका इश्यूज नहीं आए, ये तो मेरे दिमाग में ऐसे आया इसलिए मैंने पूछा। हाँ नहीं प्लीज सर, कोई भी डाउट आएगा आप पूछना, मैं आपको सब क्लैरिफाई कर दूंगा। और लाइक सर किसी भी डिवाइस में हमने टोटल 18 स्क्रीन 36 डिवाइस में टेस्टिंग करके रखे हुए हैं। ओके। 18 तरह का स्क्रीन होते हैं, जैसे डेस्कटॉप भी आती है ना उसमें भी बहुत वेरिएशन आती है। तो हमने छोटे से लेके बड़े तक 18 स्क्रीन में और 36 डिवाइस में हमने टेस्टिंग कर रखा है। तो इसी में आती है सर, एक टेस्टिंग टूल इसी में आती है, तो उसी से हम करते हैं चेक, ब्राउजर में आती है। तो सर जैसे रिमाइंडर मैंने कर दिया, आप सर एक बार अगर चेक करेंगे ना आपके पास मेल और मैसेज आ गया होगा, हाय जिग्नेश अमर, मेरे पास भी आ गया, आपके पास भी आ गया जी। तो सर ये क्या होता है ना, ये दो तरीके की चीजें होती है, जैसे लाइक आपका जो कस्टमर है ना, जैसे आपके रिलेशन ना थोड़ा सा और अच्छा हो जाता है, तो वो लोग भी सोचते हैं कि थोड़ा प्रोफेशनल हो गए हम, ज्यादा कॉल करने से पहले उनको मैसेज चला जाता है हम आपको कॉल करने वाले हैं और इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आपके पास भी सर रिमाइंडर आ जाता है, बाय द वे सर आप ड्राइव कर रहे हैं, आप कहीं बाहर हैं, आप भूल गए उसको कॉल करना, सो व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे, जैसे ही सुबह आप ऑफिस आएंगे ये रेड बटन आपको दिख रहा है टुडेज फॉलो अप, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जैसे आप क्लिक कर देंगे ना, व्हाट इट विल शो कि आज मुझे कितने लोगों से बात करना है। आज मुझे 10 लोगों से बात करना है तो वो 10 लोगों के नाम यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे आपसे बात करना था, फॉर एग्जाम्पल 2:31 में, अभी सर 2:33 हो चुका है, मैंने आपसे बात नहीं करा तो ये मेरा मिस्ड फॉलो अप हो गया, ये वाला येलो वाला जो लिस्ट है वो मेरा मिस्ड फॉलो अप है। आप देखिए 2 मिनट पहले मेरा लीड मिस हो गया। और अगर मैंने 4 घंटे तक इससे बात नहीं करूंगा, अगर जिग्नेश सर के पास एक नॉर्मल अकाउंट है, सर के पास एडमिन अकाउंट है, तो सर को नोटिफिकेशन चला जाएगा 4 घंटे के बाद कि जिग्नेश सर ने फॉलो अप नहीं करा, आप इसको देख लीजिए। मेरा सर मोटिव क्या है ट्रैवियो का ना, सबसे पहला स्टेप में पहला जो फीचर है, जो मोटिव है, जो USP है, हमारे जो क्लाइंट है, जो आपका जो ट्रैवल पॉइंट जो कंपनी है, आपका एक भी लीड मिस ना हो फॉलो अप से, 100% फॉलो अप हम अचीव करें। ठीक है सर। तो ये हमारा पहला डिलीवरेबल है कि 100% फॉलो अप होगा, एक भी लीड का फॉलो अप मिस नहीं होगा आफ्टर यूजिंग द CRM। जी उसके बाद सर कस्टमर के साथ अच्छा बात होता है, तो सर ने बोला कि ठीक है अमर आप ना मुझे कोटेशन सेंड करो, तो मैं कोटेशन सेंड करता हूँ। ये भी हमारा बहुत अच्छा है सर, जैसे आप गूगल में भी लिखते हैं ना हाउ वी लाइक आईटीनरी बिल्डर सॉफ्टवेयर, बेस्ट आईटीनरी बिल्डर सॉफ्टवेयर, सो गूगल विल सजेस्ट यू ट्रैवियो, आप अपने सिस्टम पे लिख दीजिए, वर्ल्ड में किसी भी कोने से लिखिए, सो वी आर द बेस्ट आइटिनरी बिल्डर सॉफ्टवेयर। सो वो मैं आपको दिखाता हूँ हाउ वी आर द बेस्ट आइटिनरी बिल्डर सॉफ्टवेयर, वी कैन सेंड दिस आइटिनरीज टू द कस्टमर, हम इस पूरा आइटिनरी को बना के कस्टमर को
सर 2 मिनट के अंदर सेंड कर सकते हैं टू ए बी टू सी कस्टमर, कोई आपका जो बंदा है रेफरेंस में है उसको बना बुना के देना है, उसका कस्टमाइज है, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। कोई ऐसा ऑनलाइन फेसबुक में आपके पास लीड आया, उसको कोटेशन चाहिए, 50,000 का बजट है, तो तुरंत हमारे पास बना हुआ है या हमारा पास्ट एक्सपीरियंसेस है, सिस्टम आपको ऑटोमेटिक सजेस्ट कर देगा, आपको कुछ नहीं करना है, मुझे यहाँ पे लग्जरी होटल सिलेक्ट करना है, डाटा सर ऑटोमेटिकली फिल हो गया, मैं यहाँ पे ड्राफ्ट नेक्स्ट करूंगा, डे वाइज आइटिनरी मेरा आ गया, मुझे कुछ कमाना है घटाना है, कुछ एडिट करना है, कुछ रिमूव करना है, कुछ यहाँ पे लिखना है, कुछ भी लिखना है, दैट आई कैन डू। और कोई एक्टिविटी ऐड करना है, कोई साइट सीइंग ऐड करना है किसी दिन के लिए, दैट ऑल्सो आई कैन डू। यहाँ पे मैं एक्टिविटी साइट सीइंग ऐड कर दूर करिए वहां पर आइटिनरी तो सब कैटेगरी में अपन को ऐड करनी हो तो हो जाती है ना। हाँ हाँ सर हाँ okay. आप यहाँ पे ऐड कीजिए, डे 8 हो जाएगा, या इसी किसी दिन में आपको एक्टिविटी ऐड करना है, यू कैन ऐड एक्टिविटी। बहुत सिंपलीफाइड बनाया सर, जैसे यूजर को चाहिए होता है। okay. आपको कंटेंट चेंज करना है, कंटेंट कर सकते हैं, डेमो 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 मैंने 3 बार लिख दिया, सो ये पीडीएफ में ऐसे बन जाएगा और ये आपका हिस्ट्री में सेव होके रहेगा। ये इमेजेस अपने आप आ जाती है, आपको चेंज करना है चेंज कर सकते हैं, ये भी आती है, होटल्स भी अपने आप मैपिंग हो गया, आपको ऐड करना है करिए, रिमूव करना है करिए, जो भी करना है आप कर सकते हैं, ट्रांसफर्स आप कर सकते हैं यहाँ पे। आप प्रीव्यू करेंगे तो जैसे मुझे पहला कोटेशन देना है तो मुझे ज्यादा बाइफरकेशन करके नहीं देना है, होटल का इतना ट्रांसफर का इतना, बट हमारे पास ऑप्शन है, मैंने 50,000 रुपीज मारा यहाँ पे, मैंने करा कि सर आपको INR पे 50,000 रुपये देना है, GST हम लेंगे, तो GST का मैंने बोल दिया कि हम 14% लेंगे, और यहाँ पे ये सब कुछ आप सेटिंग कर सकते हैं, GST वगैरह कितना है यहाँ पे। सर GST ना हो मान लो, अभी क्या है कि GST लोग लेते ही नहीं है, समझ लो तो हटा देते हैं, तो हटा दिया हो जाता है ना, कॉन्फिगरेबल है, आपको लेना है आप लेते हैं, नहीं तो हटा दीजिए। Okay, okay, okay. अगर सर आप यहाँ पे ना बहुत बढ़िया बढ़िया ऑप्शन है कोटेशन में, नंबर वन आपका फीचर क्या है ना, अगर आपका कस्टमर जो है आपका मेल ना खोल के नहीं पढ़ता है 4 घंटे के लिए, कोटेशन तो आपने दे दिया बट उन्होंने देखा नहीं अभी तक, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली ना उनको सेंड कर देता है मैसेज और ईमेल कि आपको कोटेशन दिया था 4 घंटे हो गया सर आपने देखा नहीं, दोबारा चेक कर लीजिए। और दूसरा जैसे सर आपने ना किसी को दिया आपका, वो कोई फॉर एग्जांपल B2B का काम करता है, लाइक कोई कमीशन में आपके साथ काम करता है, आपसे पैकेज लेता है बाकी आगे कस्टमर को देता है, तो आप उसको इज B2B टिक कर दीजिए, वो ना इसको मॉडिफाई करके अपना लोगो वगैरह सब लगा के आगे PDF बना के दे सकता है, वो भी ऑप्शन हम उसको देते हैं, जनरेट कोटेशन करते हैं। मैंने तो सर समझाया इसीलिए मुझे 3-4 मिनट लग गया, तो नहीं तो आप तो तुरंत कर देंगे, तो 2 less than 2 minutes सर, 1 मिनट के अंदर कोटेशन बन के रेडी हो जाता है। ये सर PDF आपको दिख रहा है, ऐसे PDF बन के सर कस्टमर को चला जाएगा। ओके मैं जैसे अभी आपको सेंड करूंगा कोटेशन, अभी मैंने अभी कोटेशन आपको सेंड कर दिया, सो आपके पास सर एक मेल आएगा, एक SMS आएगा, और मेल पे सर आएगा एक वेबसाइट बन के आएगा कोटेशन का, प्लस PDF आएगा अटैचमेंट में। मैं आपको दिखा देता हूँ मेल किस तरीके से आया, तारो नंबर ना करो, एक बार सर आप मेल बंद ही से, हाँ बंद ही से व्हाट्सएप ही से ना सर, ये अभी वो नहीं यूज कर रहा। मैं आपको दिखा देता हूँ सर मेल कैसे आया होगा, मेल आपके पास सर आ गया, वैसे आप अभी मेल चेक कर सकते हैं क्या? हाँ, मेल भी आ गया मुझे। हाँ तो सर मेल पे ना ऐसे पूरा मेल आया होगा, लाइक प्लीज फाइंड द बिलो समरी ऑफ योर ट्रिप एंड क्लिक हियर टू चैट विद अस एंड फॉर मोर डिटेल्स अबाउट दिस ट्रिप। तो सर आप एक क्लिक हियर में आप एक बार क्लिक कर दीजिए, इसमें PDF अटैचमेंट होगा, मेल की बॉडी में पूरा डिटेल होगा। आप जैसे क्लिक हियर में क्लिक कर देंगे ना, मुझे सर बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता चल जाएगा जब आप क्लिक करेंगे, मेरे पास मैसेज आएगा, जब आप क्लिक कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं अपॉर्चुनिटी में आऊंगा, मेरे यहाँ पे भी आएगा, मेरे पास ईमेल आएगा
और मैसेज भी आए। जीएसटी आ गया, इसमें क्या करना है मुझे? ओके, क्लिक क्लियर करना है ना मुझे? हाँ 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 आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो गया होगा। नहीं हो रहा है अभी। हाँ एक मिनट में हो जाता है सर, एक दो मिनट में लोड हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट बना के दे दिया, हो गया, पैसा आ गया उसका। बोलो फिर होने के बाद फटाफट ट्रेनिंग वगैरह प्रॉपर एकदम बढ़िया से सर्विस है, आगे बात करो। यस हो गया ओपन। हाँ सर एक सेकंड, मेरे पास अभी तक मैसेज नहीं आया है, थोड़ा सा शायद टाइम लगता है, मेरे पास मैसेज आ जाएगा एक सेकंड। यहाँ पैकेज कोड वो सब आ गया पूरा। हाँ ऐसे वेबसाइट बन के, हाँ मैसेज आ गया सर मेरे पास, और यहाँ पे भी देखिए यहाँ आ गया बाय मिग्नेस, मिग्नेस ने श्रीलंका टूर पैकेज कोटेशन रिसेंटली रिव्यूड, आपने 2:40 पे इसको ओपन कराया सर। यस तो 2:40 पे मेरे पास आ गया यहाँ पे कि आपने ओपन करा, मुझे आपसे बात करना चाहिए। श्योर जी सर, तो इसमें जैसे आपके पास ओपन हुआ होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपके पास कुछ इस तरीके से एक वेबसाइट ओपन हुआ होगा। यहाँ पे आपका 14 डेज 21 आवर्स 18 मिनट ये आपके पास रह गया आपका डिपार्चर डेट के लिए, और ये आपका पूरा होटल वगैरह आ गया, फिर आपका डे वाइज आइटिनरी आ जाता है, डे वन डे टू डे थ्री, फिर ट्रांसफर, फिर इसमें नीचे है मॉडिफाई एंड सेंड कोटेशन टू योर कस्टमर। आप इस कोटेशन को मॉडिफाई करके अपने कस्टमर को शेयर कर सकते हैं, ठीक है सर? ये मैं समझ गया ना, ये क्या है, ये तो आप अपने कस्टमर को दिया, आपके कस्टमर अगर आगे देना होगा ना वो है इसके लिए, ठीक है सर? ओके, तो आपको आइटिनरी बिल्डर वाला पार्ट थोड़ा समझ आया कैसे करते हैं? आया आया आया। थैंक यू सर। तो इसको जैसे हम मॉडिफाई करना है तो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ चेंज करना है, आइटिनरी चेंज करना है, कुछ करना है तो हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कुछ अगर कुछ और कहता है कि कोई दूसरा पैकेज देना है तो दूसरा कर सकते हैं। हिस्ट्री से उठा के देना है, हिस्ट्री में क्या होगा, जितना हमने पहले का सब पैकेज करा होगा वो सब हमारे पास पड़ा होगा, ये हमारा सारा कोटेशन है। तो मुझे हेबलॉक इसलैंड उसको देना है, तो मैं इसको सेंड कर दूंगा, यही सेंड हो जाएगा। ये बन के पूरा रेडी हो गया, जो चेंज चेंज करना है चेंज करके मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है सर? सो ये इस तरीके से हमारा आइटिनरी बिल्डर काम करता है, इंस्टेंटली बढ़िया से वेबसाइट के साथ, पीडीएफ के साथ, ऑनलाइन चैटिंग का ऑप्शन के साथ, नोटिफिकेशन के साथ, ऑटो फॉलोअप ऑप्शन के साथ कोटेशन आइटिनरी आपके कस्टमर के साथ शेयर होता है, ठीक है? उसके बाद जैसे सर फाइनल हो जाता है तो हम इसको फाइनलाइज कर लेते हैं कि ये हमने फाइनलाइज कर लिया। मान के चलते कस्टमर को हमने 5 आइटिनरी शेयर करा था, उसमें से कोई एक फाइनल करना है तो हम इस तरीके से फाइनलाइज कर लेते हैं। फिर उसके बाद करते हैं कि ठीक है इसको हम बुकिंग कर लेंगे, अब हम उसको बिलिंग वगैरह शेयर करेंगे, इनवॉइस वगैरह देंगे, वो पेमेंट करेंगे, तो वो भी सर यहीं से मैनेज होगा सिस्टम से। ये हमारा सर बुकिंग लिस्ट आ गया। सो मैं कहूंगा कि मुझे ना पेमेंट 2 बार में लेना है, अभी शेड्यूल डेट मुझे आज एक पेमेंट चाहिए, तो आप अभी जल्दी जाने वाले हैं तो आज मुझे चाहिए, 25,000 रुपये मुझे आज दे दीजिए आप। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई एडवांस पेमेंट, फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट कहता है सर मुझे ना इनवॉइस भी चाहिए, तो हम यहाँ पे टिक कर देते हैं जनरेट इनवॉइस। अगर क्लाइंट का जीएसटी नंबर वगैरह होगा तो वो हम यहाँ पे अपडेट भी कर देंगे। क्लाइंट का डिटेल हम ऐसे सेव कर सकते हैं। और सर एक चीज और भी हमने बनाया है, फॉर एग्जाम्पल आपका ये B2C कस्टमर है तो आप चाहते हैं कि अगर वो पैसा नहीं देते हैं ना आज, तो इनको मैसेज और ईमेल जाता रहे,
हर दूसरे दिन, तो हम यहाँ पे चेक कर देंगे ऑटोमेटिकली, सिस्टम से रोज मैसेज जाएगा कि तुम्हारा पैसा पेंडिंग है, दे दो। एक बार इसके लिए, वीकली इसके लिए, ऑल्टरनेट डेज के लिए, डेली का हमने नहीं बनाया है, बंदा इरिटेट हो जाएगा। या तो ऑल्टरनेट डेज जाएगा, या तो एक बार जाएगा, तो वीकली जाएगा, आपको ये टिक करना होगा। ओके, सो मैं जैसे इसको जनरेट इनवॉइस कर दूंगा सर, अभी इनवॉइस बन जाएगा। इनवॉइस हम प्रीव्यू कर लेते हैं, इस तरीके से इनवॉइस बनेगा, ठीक है सर? इनवॉइस आपको दिख गया सर? ओके, हाँ दिख रहा है। हाँ, ये आपका लोगो आ जाएगा, आपका कंपनी का डिटेल्स आ जाएगा, पैकेज नेम, पैकेज नेम आ गया, क्या है पैकेज डिटेल आ गया थोड़ा, और उसके प्रोडक्ट आ गया कि किस चीज के लिए कितना पैसा है, ठीक है? ओके, जी सर। उसके बाद मैं उसको ऐड कर दूंगा, बाकी रहा सर 25,000 रुपए और, तो इनको 20 तारीख को जाना है, 28th को जाना है, तो 28th के लिए फिर मैं क्या करूंगा ना, मैं बाकी का पैसा ना उसी दिन ले लूंगा, 19 तारीख को ले लूंगा, या होटल में लेना है तो वो भी ऑप्शन है कि होटल में ले लूंगा तो एक दूसरे स्क्रीन में अपडेट करूंगा, नहीं मैं कह रहा हूँ मैं पहले ही ले लूंगा। मैं इसको ऐड कर दूंगा, अब दोनों पेमेंट मेरे पास शेड्यूल हो गया। अब मुझे क्या करना है सर, सप्लायर को मुझे पेमेंट देना होगा, लाइक जिससे मैंने फ्लाइट लिया, होटल लिया, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने क्या करा ना, मैंने होटल बुक करा कहाँ से ना, टीबीओ से, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा, मुझे टीबीओ को ना पैसा देना पूरा मेरे पास लास्ट में दूंगा, मैं 10,000 रुपए टीबीओ को दूंगा होटल के लिए। फिर मैं फ्लाइट के लिए भी टीबीओ को ही दे दूंगा, मैं दोनों चीज टीबीओ से लिया है, या मैंने रिया से लिया तो रिया ट्रैवल को दे दूंगा, रिया का होटल का मैंने दे दूंगा, मैं उसको अगले महीने दूंगा, मेरा रिलेशन अच्छा है तो मैं जून में दूंगा इनको, इनका 15,000 रुपये, तो इसको मैंने लिखा फ्लाइट। फॉर एग्जाम्पल सर एक्टिविटी है वो मैं क्लुक से बुक करा डायरेक्ट, तो क्लुक का एडवांस पेमेंट जाता है, तो मैं जिस दिन बुक करूंगा वही चला जाएगा, 19 तारीख को मैंने बुक कर दिया इनका, मैं 15 को एडवांस पेमेंट दिया, 15 को कन्फर्म करा, तो 10,000 रुपये क्लुक के लिए। तो दिस इज सर नरेशन, ये नरेशन है वैसे। अब सर क्या होगा ना, अब हमारा दो चीज हो जाएगा, हमारा इनवॉइस में बन जाएगा, इनवॉइस यहाँ पे ऑटोमेटिक इनवॉइस बन जाता है, सो ये पेमेंट पेंडिंग में खड़ा रहेगा, दो ये अकाउंटेंट को दिखेगा, वो अपना पैसा कलेक्ट करके यहाँ पे एंट्री मारेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे मिंगनेश सर के लिए दो इनवॉइस मेरा खड़ा हो गया जो कि ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है, और यहाँ पे एक चीज और देखेंगे सप्लायर पेमेंट में आके दो सप्लायर का पेमेंट खड़ा होगा जिनको हमें रिलीज करना होगा। सो इसमें एक हमने बहुत बढ़िया सिस्टम बनाया है, किसी क्लाइंट का रिक्वेस्ट से आप ना पैसा भी रिलीज नहीं कर सकते हैं सप्लायर को, क्यों? क्योंकि कस्टमर से आपने 0 पैसा रिलीज करा है। सो अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं कैश पेमेंट कर दूंगा आईटीसी, ठीक है, जीएसटी वगैरह जो भी है, मैं इसको सबमिट करता हूँ, मना करता है सिस्टम, यस, फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होता है ना, आपको प्रॉपरली यहाँ पे रिमार्क्स ऐड करना होगा कि मैं क्यों दे रहा हूँ इस क्लाइंट को, तो वो बैड डेब्ट्स में रहेगा और आपका अकाउंटेबिलिटी में आपने रिलीज कराया जबकि कस्टमर से भी पैसा नहीं आया। सो अगर फिर मैं इसी चीज को मैं ऐसे करता हूँ कि जैसे मैं इनवॉइस में जाता हूँ, और मैं पेमेंट रिसीव कर लेता हूँ आपसे, पेड हो गया, अब मैं जाऊंगा सप्लायर पेमेंट में और मैं इसको रिलीज कर दूंगा,
अब रिलीज हो जाएगा, अब कुछ नहीं कहेगा, अब क्लुक का भी रिलीज कर दूंगा, अब मैं टीबीओ का भी रिलीज कर दूंगा। सो अब क्या हुआ, अब पेमेंट मेरा चला गया वहां पे, मैंने पैसा ले आया और पैसा दे दिया, और मैं बुकिंग में आके इसका मैं ट्रायल बैलेंस बना के इसको प्रॉफिट लॉस में ले जाऊंगा। यहाँ पे मैं कंप्लीट कैलकुलेशन में करूंगा तो मेरे 35,000 रुपये चला गया, 50,000 रुपये आया मेरा। अगर वहां पे कुछ खर्चा होता है ग्राउंड एक्सपेंसेस, वो भी मैनेज करूंगा, मैं इसको जैसे सेव कर दूंगा, ये ट्रायल बैलेंस मेरा बन गया और मेरा फाइनल होके कंप्लीटेड में लीड आ जाएगा, प्रॉफिट लॉस मुझे दिख जाएगा। सो ये सर टोटल कंप्लीट प्रोसेस है कि किस तरीके से मैं वेबसाइट बनाऊंगा, किस तरीके से आपको डिजिटल में सपोर्ट करूंगा, किस तरीके से आपको लीड जनरेट होगा, फिर किस तरीके से लीड प्रोसेस करके आप कंप्लीट आइटिनरी बिल्डर, डिजिटल मार्केटिंग, सीआरएम मैनेजमेंट, किस तरीके से करके हम यहाँ तक आएंगे, और हम इस पर डिटेल्स में मैं देखूंगा तो कंप्लीट लॉग दिखेगा कि लीड कब आया था, किसने बात किया, क्या करा, सब लॉग दिखेगा। श्रीलंका के लिए रिक्वायरमेंट था, हमने ये कोटेशन भेजा, अमर ने भेजा, फिर उसके बाद ये बात हुआ, फिर ये आपने जितने बार सर रिफ्रेश करा होगा वो उतने बार यहाँ पे आ गया, मैंने भी अभी खोला था। सो यस आई थिंक ये कोई दूसरा लीड है सर, मैं कंप्लीटेड में जाता हूँ, दिस इज नॉट योर लीड, ये रोहित रोहित था। ये हमारा लीड है, मिग्नेश सर ने कोटेशन खोला, फिर ये करा उन्होंने, फिर ये 50,000 रुपये में फाइनलाइज हुआ, फिर कस्टमर पेमेंट शेड्यूल हुआ, पेमेंट हो गया, पेमेंट दे दिया, इनवॉइस चला गया, पेमेंट रिसीव हो गया, ठीक है सर। और ये टोटल हमारा एक्सपेंसेस 35,000, ये है यू डीडी प्रॉफिट ऑफ 15,000, और ये यहाँ पे दिखाता है पूरा डिटेल, 50,000 का बजट था, 50,000 रुपीज रिसीव हुआ, 35,000 रिलीज हुआ और 15,000 रुपये प्रॉफिट हुआ। और इसमें फिर रिपोर्टिंग में आता है, तो इसमें रिपोर्ट में बैड डेब्ट्स रिपोर्ट, लीड कैंसिलेशन, आईटीसी रिपोर्ट, प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट, जीएसटी अगर है हमारा तो जीएसटी रिपोर्ट भी आ जाता है। प्रॉफिट लॉस में जैसे मैं करूंगा 2021 इस महीना, जैसे मैंने आपको अभी डेमो दिया 21 का मई का, अगर मैं रिपोर्ट देखूं तो गेट रिपोर्ट, तो ये आपका आ गया कि मेरा 15,000 रुपया भी प्रॉफिट। सर कैसा लगा आपको प्रोडक्ट? अच्छा है सर। और इसके अंदर फ्लाइट का कैसे करते हैं? सर सेम चीज में हम आपको ऐसे पोर्टल बना के देते हैं, लाइक अगर आपको वेबसाइट ऑप्शन है सर, वेबसाइट के साथ जाना है या पोर्टल के साथ जाना है, पोर्टल का कॉस्ट थोड़ा सा अलग होता है, वेबसाइट का कॉस्टिंग अलग होता है। पोर्टल का कितना होता है सर? पोर्टल में एपीआई के साथ आपको जानी है तो 30,000 रुपीज एडिशनल होता है एपीआई इंटीग्रेशन के लिए। कोई भी एपीआई हो, ट्रिपजैक हो, कुछ भी आप दे देंगे मैं दे दूंगा, या तो जात्री इंडिया है तो बाय डिफॉल्ट में वो इंटीग्रेट करके दे दूंगा। बाकी जो प्रोडक्ट है वो 20,000 रुपीज का है, अभी है हमारा वैसे। सो लाइक ये कोविड के लिए हम डिस्काउंटिंग वगैरह करके जो भी करके किस तरीके से विन विन में काम कर सकते हैं, तो इसी चीज के लिए हम इसको कर रहे हैं। ओके, और ये वेबसाइट के साथ कितना है? वेबसाइट के साथ सर 20,000 है, बट प्राइसिंग टर्म अभी ऐसा है यू नीड टू पे ओनली 2,500 रुपीज अभी। सो मैं उसके बाद आपको वेबसाइट में काम करके वेबसाइट लाइव कर दूंगा। सो देन उसके बाद में सीआरएम आपको दे दिया, 3 महीने अभी सीआरएम सर आपके पास फ्री चलेगा, बाकी 10,000 रुपए 3 महीने के बाद। सो अगर मार्केट थोड़ा बड़ा ठीक के लिए है ना? जी सर, ये लाइफ टाइम के लिए ना? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, ये सर इयरली सब्सक्रिप्शन हमारा होता है 5,000 रुपीज पर वेबसाइट एंड 10,000 रुपीज पर सीआरएम। इयरली सब्सक्रिप्शन जो होता है वो 15,000 रुपए होता है, और आपका जो सपोर्ट है, जो आपका ट्रेनिंग है, वो लाइफ टाइम चलेगा। आपका सर्वर का पैसा है, हॉस्टिंग का है, या जो हमारे एडिशनल फीचर्स भी आएंगे सीआरएम में, वो हम सब कुछ करके देंगे। ओके जी, कोई बात नहीं। हाँ मैं आपको सर पता है क्या सजेस्ट करूंगा, मैं कहूंगा कि हम ना उसको 2,500 रुपीज वाला करके ना स्टार्ट कर सकते हैं। सो मैं वेबसाइट सीआरएम आपको दे दूंगा, जैसे थोड़ा सा मार्केट अभी ठीक होती है या जैसे भी होती है, आप एपीआई का बात कर लेना, तो बाकी का पैसा मैं एडजस्ट करके दे दूंगा, ऐसे नहीं कि शुरू से दोबारा मैं पैसा लूंगा। समझ गया सर, कोई बात नहीं, बड़े भैया को भी साथ में बात कर लेते,
ठीक है सर, आप एक बार डिस्कस कर लीजिए, माइंडसेट कर लीजिए, और उसके बाद हम कल एक बार कनेक्ट हो जाएंगे, मिग्नेश सर हो, आप हो, जैसे भी होता है, और उसके बाद में यहीं पे वेबसाइट बन जाएगा, ऑटोमेटिकली बनेगा, ओके सर, इंस्टेंटली बनेगा, वो मैं आपको दिखा दूंगा, ओके सर, नो प्रॉब्लम, बाकी बोथ ऑफ यू सर स्टे सेफ, ओके, अच्छे से रहिए, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, ओके दादा, ओके ओके सर, थैंक यू, बाय।